नमस्ते, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा वीडियो लेकर आई हूँ। तो देखिए, ये मेरे पास है एक शॉपिंग बैग, जो अक्सर हम मार्केट से जब मिठाई, कपड़े और कुछ भी घर के सामान खरीद कर लाते हैं तो उनके साथ में आता है। पर ये बहुत ही हल्का आता है, इसमें ज़्यादा भारी सामान नहीं रख सकते हैं। तो आज मैं इसी का बैग का उपयोग करते हुए एक बहुत ही काम की चीज़ बनाने जा रही हूँ। तो वीडियो पर बने रहे हैं, और वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस बैग के साइड में से हम थोड़ी थोड़ी कटिंग कर देंगे और इसको पूरा खुला कर देंगे। इस प्रकार आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इसी प्रकार दूसरी तरफ भी हमें कटिंग करना है और दूसरी तरफ भी इसको खुला कर देना है। और इसके साथ चाहिए हमें कपड़ा, तो आप पुरानी कुर्ती ले सकते हो या पुरानी शॉल वगैरह, कुछ भी आपके पास पुराने कपड़े हो तो उनका यूज कर सकते हो, पुराने दुपट्टे वगैरह। अगर पुराने कपड़े नहीं हो तो आपके जो सिलाई में से कुछ भी बचे हुए टुकड़े हैं तो उनका भी यूज कर सकते हो। तो आपको कपड़ा भी चाहिए होगा। तो देखिए, इस प्रकार मैंने पूरी इसकी दोनों तरफ से कटिंग करके इसको पूरा खुला कर दिया है। और जो इसके स्ट्रिक लगी हुई है हैंडल पकड़ने के लिए, तो उनको भी हम निकाल देंगे। तो बहुत ही हल्का कपड़ा होता है, देखिए कितनी आसानी से टूट रहा है। इसमें कुछ भारी भरकम चीज़ हम नहीं रख सकते हैं। तो ये कुछ हल्की चीज़ों के लिए है। तो हम मिठाई लाए थे बाजार से, तो उसके साथ में आया था। तो अब मैं ले रही हूँ, ये मेरी पुरानी कुर्ती है। तो हम देखते हैं कि इससे हो जाएगा नहीं होगा। तो इसकी सिलाई जब मैं निकाल रही थी तो ये कुर्ती बहुत पहनी हुई थी, तो थोड़ा कपड़ा गला हुआ था, तो थोड़ा फट गया था। तो अब मैं इसको यूज में नहीं लूँगी, क्योंकि वैसे भी ये पूरे पे नहीं आ रहा था, थोड़ा कपड़ा कम पड़ रहा था, तो दूसरा कपड़ा जोड़ते तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो इसको हटा देंगे। और फिर मेरे पास एक और मेरी कुर्ती का ही कपड़ा था, तो ये कपड़ा ले लूँगी। और फिर जो हमने शॉपिंग बैग को इसके ऊपर रख देना है और बराबर इसके कटिंग कर देना है, इसके बराबर ही कटिंग करना है, बड़ा छोटा नहीं करना है। तो कटिंग मैंने कर दी है। और अब हमें क्या करना है कि इसकी सीधी साइड अंदर की ओर रखना है और उल्टी साइड बाहर की ओर रखना है। आप वीडियो में देख सकते हैं इस प्रकार। तो इस प्रकार कपड़े को एक दूसरे को ऊपर रख देंगे। इस प्रकार रख देंगे दोनों को एक दूसरे के ऊपर, और फिर दो साइड में हमें सिलाई लगा देना है। तो अभी मैं सिलाई लगाकर बताती हूँ। तो देखिए, दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसको सीधा कर देंगे इस प्रकार। देखिए, दोनों किनारे पर एकदम फिनिशिंग आ जाएगी। और फिर हमें क्या करना है कि इसके दोनों साइड और इधर भी दोनों साइड हमें सिलाई लगानी है, मतलब चारों ओर हमें सिलाई लगानी है। और सिलाई हमने लगा दी है इसके चारों ओर। फिर हमें क्या करना है कि देखिए, इसको इस प्रकार बराबर फोल्ड कर देना है। और फोल्ड करने के बाद में देखिए, इस शॉपिंग बैग पे पहले से ही यहाँ पर निशान बना हुआ था। और अगर आप लंबाई चौड़ाई के माप की बात करें तो 3.5 इंच इसकी लंबाई और 3.5 इंच ही इसकी चौड़ाई है। और यहाँ पर हमें निशान लगाकर इस प्रकार चौकोर में कटिंग कर देना है। इसी प्रकार दूसरी तरफ भी हमें कटिंग कर देना है। तो दोनों तरफ मैंने कटिंग कर दी है। फिर दोनों तरफ इस प्रकार सिलाई लगा देनी है। तो दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद में देखिए, इस प्रकार कोनों को मिलाते हुए यहाँ पर भी सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखिए कि अंदर का कपड़ा भी सिलाई में आना चाहिए। तो दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा दी है और इसके बाद में इसको सीधा कर देना है। और कोनों को अच्छे तरह से निकाल देना है। अब इसके बाद में क्या करना है कि जो हमने इसके जो पकड़ने के हैंडल थे, स्ट्रिक थी, वो हमने निकाली थी, तो उसी के माप के अनुसार हमें, जैसे कि 14 इंच लंबी और 3 इंच चौड़ी मैंने पट्टी कट की है, और इसको इस प्रकार फोल्ड करते हुए दो स्ट्रिक तैयार कर देंगे।
तो देखिए दोनों सिलाई लगा कर मैंने तैयार की कर दी है। और जहाँ पर ये देखिए पहले शॉपिंग बैग पर निशान बने हुए हैं, उसी निशान के ऊपर हम इस प्रकार इस डोरी को रखते हुए सिलाई लगा देंगे। तो देखिए सिलाई मैंने लगा दी है और कितना प्यारा और कितना फटाफट हमारा एक बैग बनकर तैयार हो गया है। बैग तो ये पहले ही था पर मजबूत बैग बनकर तैयार हो गया है। अब आप इसमें कोई भी भारी भरकम चीज बाजार से ला सकते हो और सब्जी वगैरह खरीदने में भी इसको बाजार ले जा सकते हो। और घर पर अगर आप अलमारी में भी कुछ कपड़े वगैरह लेकर इसको रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो। तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी शॉपिंग बैग का यूज करते हुए बहुत ही प्यारा आइटम बन गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।